दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई मॉरल स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही बेसिक ग्रामर के साथ है। और इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो कई सारे स्ट्रक्चर्स को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फुलिश डॉग्स। क्या मतलब हुआ? फुलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, मतलब कि मूर्ख कुत्ते। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ शेफर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य को बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ है देखने वाली। यहाँ पर शुरू वंस के बाद देयर का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का वाक्य बनाते हैं जिसकी शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर देयर का कोई भी मतलब नहीं होता है। देयर का प्रयोग वाक्य को सिर्फ बनाने के लिए किया जाता है। और शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, मवेशी वगैरह चराने वाला, या जिसे हम कह सकते हैं चरवाहा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज अ शेफर्ड, मतलब कि एक बार एक चरवाहा था, या कह सकते हैं एक बार एक गडरिया था। ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ शीप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। तो इस तरह का जो वाक्य है पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। ही हैड ए लार्ज नंबर ऑफ शीप, मतलब उस क्या मतलब हुआ इस लाइन का? लार्ज नंबर मतलब बड़ी मात्रा में, मतलब उसके पास बड़ी मात्रा में भेड़ें थी। शीप मतलब भेड़ें। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, शीप का मतलब भेड़ होता है, और जो शीप का जो प्लूरल नाउन होता है वो भी भेड़ ही होता है। तो यहाँ पर इसको प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसके पास बड़ी मात्रा में भेड़ें थी। ही हैड कैप्ट टू फियर्स डॉग्स टू गार्ड हिज शीप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये कीप की थर्ड फॉर्म है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है कीप, KEEP, और ये कैप्ट जो है ये इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। तो इसको यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। जैसे कि लिया था, चुका था वगैरह, उसके एंड में आता है, तो इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड कैप्ट, उसने रखे हुए थे टू फियर्स डॉग्स। फियर्स एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खूंखार। उसने दो खूंखार कुत्ते रखे हुए थे टू गार्ड, रखवाली करने के लिए हिज शीप, अपनी भेड़ों की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने दो खूंखार कुत्तों को रखा हुआ था अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए। चलिए आगे देखिए। गार्ड का मतलब होता है रखवाली करना, सुरक्षा करना। द डॉग्स वर वेरी गुड एट कीपिंग वॉच। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। द डॉग्स वर वेरी गुड, जो कुत्ते थे वो बहुत अच्छे थे। किस चीज़ में? एट कीपिंग वॉच, मतलब नज़र रखने में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो कुत्ते थे वो नज़र रखने में, निगरानी रखने में बहुत अच्छे थे। चलिए आगे देखिए। वन नाइट अ वुल्फ वॉज रोमिंग अराउंड द फेंस वेयर द शीप वर कैप्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, जब वॉज या वर के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का वाक्य पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ वाक्य के टेल पर रहा था, रहती रहते जैसे शब्द आते हैं। क्या मतलब हुआ? वन नाइट, एक रात,
अ वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया, एक भेड़िया, वॉज रोमिंग अराउंड, वो इधर उधर घूम रहा था, अराउंड द फेंस, फेंस का मतलब होता है बाड़ा, बाड़े के आसपास, वेयर जहाँ, द शीप वर कैप्ड, जहाँ पर भेड़ों को रखा गया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक रात एक भेड़िया बाड़े के आसपास घूम रहा था जहाँ पर, जहाँ भेड़ों को रखा गया था, शीप वर कैप्ड, द डॉग्स सॉ हिम। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, सी मतलब देखना, सो मतलब देखा, द डॉग्स सॉ हिम, कुत्तों ने उसे देखा, एंड बार्क्ड लाउडली, बार्क का मतलब होता है भौंकना, एंड बार्क्ड लाउडली, और वो ऊंची आवाज़ में मतलब बहुत ज़ोर से भौंके, दे चेज्ड हिम बैक इन टू द वुड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है चेज, आपने इसको सुना होगा, चेज का मतलब पीछा करना होता है, और चेज का मतलब किसी को खदेड़ देना भी होता है या किसी को भगा देना, और ये सेकंड फॉर्म है। और ये जो दे है इसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, और ये जो दे है वो उन दोनों कुत्तों के लिए प्रयोग किया गया है जो वहाँ पर भेड़ों की सुरक्षा कर रहे थे। तो क्या मतलब हुआ, दे चेज्ड हिम बैक इन टू द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, मतलब उन्होंने उसे वापस जंगल में खदेड़ दिया, या कह सकते हैं वापस जंगल में भगा दिया। चलिए आगे देखिए, नाउ अब द वुल्फ मेड अ प्लान, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, मेक की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, मेड, नाउ अब द वुल्फ मेड अ प्लान, अब भेड़िए ने एक योजना बनाई, टू गेट द डॉग्स अवे, टू गेट द डॉग्स अवे मतलब कुत्तों को दूर करने की, फ्रॉम द शीप भेड़ों से। चलिए आगे देखिए, ही वेंट एंड ट्राइड टू मेक फ्रेंडशिप विद द डॉग्स। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है डब्ल्यू ई एन टी, वेंट, ही वेंट, वह गया, एंड ट्राइड, उसने कोशिश की, टू मेक फ्रेंडशिप, दोस्ती करने की, विद द डॉग्स, कुत्तों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, मतलब कि वह गया और उसने कुत्तों से दोस्ती करने की कोशिश की। ही सैड, उसने कहा, डियर फ्रेंड्स मतलब कि प्यारे दोस्तों, वाई आर यू लीडिंग सच अ डिफ़िकल्ट लाइफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर वाई का प्रयोग किया गया है, और वाई का मतलब होता है क्यों, और यदि आप कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं, साथ में आप किसी भी तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज एम आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और लीड का मतलब होता है गुजारना, तो उसने क्या कहा, डियर फ्रेंड्स मतलब प्यारे दोस्तों, वाई आर यू लीडिंग सच अ डिफ़िकल्ट लाइफ, मतलब आप एक इतना कठिन जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हो, कैसे गुजार रहे हो, डिफ़िकल्ट लाइफ मतलब कठिन जीवन। चलिए आगे देखिए, कम टू द वुड्स मतलब कि जंगल आओ, एंड इन्जॉय फ्रीडम, उसने क्या कहा कि कम टू वुड्स, कम टू द वुड्स, जंगल आओ, एंड इन्जॉय फ्रीडम, और फ्रीडम को, आज़ादी को, आज़ादी का आनंद लो। चलिए आगे देखिए, द डॉग्स लाइक्ड द आइडिया एंड फॉलोड द वुल्फ इन टू द वुड्स। क्या मतलब हुआ, द डॉग्स लाइक्ड द आइडिया, आइडिया का मतलब विचार, जो डॉग्स से कुत्ते थे, लाइक्ड द आइडिया मतलब उन्हें ये विचार अच्छा लगा, उन्हें पसंद आया, एंड फॉलोड द वुल्फ इन टू द वुड्स, और वो फॉलो का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, किसी के पीछे जाना, पीछे चलना, उसे फॉलो कहा जाता है सेकंड फॉर्म में, एंड फॉलोड द वुल्फ, और वो उन्होंने वुल्फ का मतलब कि अनुसरण किया, उसके पीछे चले गए, इन टू द वुड्स जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो कुत्ते थे उन्हें वो आइडिया, उन्हें आइडिया जो था, वो जो विचार था, वो उन्हें अच्छा लगा, पसंद आया, और वो उस वुल्फ के मतलब कि उस भेड़िए के पीछे जंगल के अंदर, जंगल में चले गए। चलिए आगे देखिए, द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज प्लान बिकमिंग अ सक्सेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। यहाँ पर सक्सेस वर्ड का यूज़ किया गया है, सक्सेस का मतलब होता है, सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, सक्सेस एक नाउन है जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, जिसका मतलब होता है सफलता। और यदि आप इसकी वर्ब यूज़ वर्ब भी जानना चाहते हैं तो आप उसे नोट कर सकते हैं, इसकी जो वर्ब है वो है सक्सीड, S U डबल C डबल E D, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। तो यदि आप उसे वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको सक्सेस का यूज़ नहीं करना है, आपको सक्सीड का प्रयोग करना है। सक्सीड एक वर्ब है,
क्रिया है जिसका मतलब होता है सफल होना, लेकिन यहाँ ये जो शब्द का प्रयोग किया गया ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, और बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वुल्फ वॉज़ वेरी हैप्पी, जो वुल्फ था भेड़िया था वो बहुत खुश था। टू सी, देख कर, क्या देख कर? हिज प्लान, जो उसकी योजना है, बिकमिंग अ सक्सेस, वो सफल हो रही है। चलिए तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जो भेड़िया था वो बहुत ज़्यादा खुश था इस चीज़ को देखकर कि जो उसकी जो प्लान है, जो उसका योजना है, बिकमिंग अ सक्सेस, वो सफल हो रहा है। ही टुक देम टू हिज केव। दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है टेक, टी ए के ई, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी वाक्य में ले जाना शब्द का प्रयोग करते हैं, ले जाना, तो वहाँ पर टेक का प्रयोग किया जाता है वर्ब के रूप में, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। और जो डैम है ये उन कुत्तों के लिए यूज़ किया गया ऑब्जेक्ट के रूप में, और केव का मतलब होता है गुफा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही टुक डैम, वह उन्हें ले गया, टू हिज केव, अपनी गुफा पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही टुक देम टू हिज केव, मतलब वह उन्हें अपनी गुफा पर ले गया। देयर, वहाँ, द अदर वॉल्व्स अटैक्ड एंड किल्ड द डॉग्स, क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इससे, ये जो वॉल्व्स है आप इसे नोट कर सकते हैं, ये वुल्फ का प्लूरल नाउन है, डब्ल्यू ओ एल एफ जो है ये एक सिंगुलर नाउन है जिसका मतलब होता है भेड़िया, और जब एक से अधिक भेड़िए होंगे मतलब कि प्लूरल नाउन, तो उसके लिए वॉल्व्स का प्रयोग किया जाएगा। स्पेलिंग है डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, वॉल्व्स मतलब भेड़िए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर, वहाँ, द अदर वॉल्व्स, मतलब जो अन्य, जो दूसरे जो भेड़िए थे, अटैक्ड, उन्होंने हमला कर दिया, एंड किल्ड द डॉग्स, और उन्होंने कुत्तों को मार दिया। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो दो कुत्ते हैं इनके ऊपर ये जो भेड़िए हैं उन्होंने हमला किया हुआ है। चलिए आगे देखिए। देन, मतलब कि फिर, ऑल द वॉल्व्स, ऑल द वॉल्व्स मतलब कि सारे भेड़िए, वेंट, गए, एंड एट अप द शीप, वो भेड़, मतलब कि भेड़ों को खा गए, ये ईट की सेकंड फॉर्म है, एट अप द शीप, उनको खा गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देन ऑल द वॉल्व्स वेंट एंड एट अप द शीप, मतलब फिर सारे मतलब कि सभी भेड़िए, सारे भेड़िए गए और उन्होंने भेड़ों को खा लिया। दस, इस प्रकार, द फुलिशनेस ऑफ डॉग्स मेड देम लूज देयर लाइव्स एंड ऑल्सो कॉज्ड लॉस टू देयर मास्टर, क्या मतलब हुआ? दोस्तों फुलिशनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है मूर्खता। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो शब्द है वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है मूर्खता। दस, इस प्रकार, द फुलिशनेस ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों की जो मूर्खता थी, मेड देम लूज देयर लाइव्स, मतलब, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा कॉजिटिव सेंटेंस है। कॉजिटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना। जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद ना करे, उसे किसी और के द्वारा वो काम करवाया जाए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो कॉजिटिव कहलाता है, जहाँ पर मेक का प्रयोग किया जाता है, और यदि पास्ट में वाक्य आएगा तो मेक की सेकेंड फॉर्म मेड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? दस, द फुलिशनेस ऑफ डॉग्स, मतलब जो इस तरह से जो कुत्तों की मूर्खता थी, मेड देम लूज देयर लाइव्स, उसने उनके जीवनों को उनसे गंवा दिया, देयर लाइव्स मतलब उनके जीवनों को उनसे गंवा दिया, एंड ऑल्सो कॉज्ड, और वो उस चीज़ का भी कारण बना, लॉस, नुकसान का भी कारण बना, किस चीज़ का, किसका, टू देयर मास्टर, मतलब उनके मालिक का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस तरह से जो कुत्तों की मूर्खता थी उसने उनसे जीवन अपना गंवा दिया, मतलब उसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन को गंवा दिया, एंड ऑल्सो कॉज लॉस टू देयर मास्टर, और अपने मालिक के नुकसान की भी वो वजह बने। चलिए तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, छोटे से मॉरल के साथ, और यहाँ जो भी वर्ड मीनिंग थे मैंने पूरी कोशिश की है उनको बताने की। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आज की कहानी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।